आज मैं कुछ बुक्स बताती हूँ ज्योतिष की। जैसे एक ये बुक है, आधुनिक विधि से कुंडली की विवेचना। ये जो लिखी गई है, ये गाइडेंस में लिखी गई है श्री के एन राव जी के। उनके जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्च लेवल पर रहते हैं, वो उनके गाइडेंस में लिखते हैं। आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें किस टाइप का कंटेंट है। बहुत अच्छी बुक है, एकदम लोअर लेवल के लिए अच्छी है। जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। ये बुक अच्छी है और इसमें आप देखिए साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन दोनों चार्ट्स दिए हैं। उसके अलावा एक ये दूसरी बुक है, कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये बुक का नाम है योगी प्रारब्ध एवं कालचक्र, योगीज डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम। ये बुक भी अच्छी है, अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा ना आपको स्पिरिचुअलिज्म देगी आपके अंदर। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाली जो बुक है ना, ये सरजीत पोद्दार की बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है। इसको आप अपने भाव जो होते हैं ना, 12th मतलब 12 हाउसेस जो होते हैं हमारे, 12 भाव, उन भावों को समझने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसका पता नहीं मुझे हिंदी में आती है या नहीं आती है, ये इंग्लिश में तो है। मुझे पहले भी बहुत अच्छी लगती थी इंग्लिश की बुक्स पढ़ना, लेकिन अभी मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगने लगी है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जो दूसरे बुक्स हैं वो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी थी, और मैंने फिर हिंदी में भी ख़रीदा। हिंदी में पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये बुक इंग्लिश में भी ले सकते हो, बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। बहुत क्लैरिटी दी है इन्होंने, किस किस भाव को हम किस तरीके से देख सकते हैं। सारे 12 भाव हैं इसमें। ये है बृहत पराशर होरा शास्त्र। इसका भी मैं आपको खोल के ना इंडेक्स दिखाती हूँ। आप इंडेक्स देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है। इसका इंडेक्स में जो पॉइंट्स है ना, आपको समझ में आ जाएगा इसमें आप क्या क्या सीख पाओगे। ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है, और एक और वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम नंबर 2, मतलब सेकंड वॉल्यूम इसका। दोनों वॉल्यूम्स एक साथ ख़रीदना, जिससे आप, या फिर एक एक करके भी ख़रीद सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये दूसरा वॉल्यूम है उसका, और उसकी भी आप ये देख लीजिए कंटेंट लिस्ट, इसमें क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो ये बुक्स ख़रीद सकते हो आप। ये हिंदी में है, पहले मेरे पास इंग्लिश में भी थी ये बृहत पराशर होरा शास्त्र, लेकिन मुझे अभी हिंदी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है मैं रूट से कनेक्ट होती हूँ जब हिंदी में पढ़ती हूँ तो। और इसके अलावा ना मैं आपको एक और बुक बताती हूँ। मतलब वो बुक तो क्या अवेलेबल तो नहीं है, एक तो ये है, हाँ, हिंदू ज्योतिष कर्म और पुनर्जन्म, ये भी स्पिरिचुअलिटी ऐड करेगी। बट ये वाली जो बुक है ना, ये नक्षत्र के ऊपर बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है। आप अगर ये वाली बुक्स, इस टाइप की आपको बुक्स लेनी है ना, जो नॉर्मली पब्लिकेशन हाउसेज में अवेलेबल नहीं है अभी, पहले ये पब्लिकेशन में थी, अभी इनका ये बंद हो गई है, आती नहीं है। एक के गोयल बुक स्टोर आप करके सर्च करना चाहो तो कर लो, दिल्ली में है, या फिर मैं, आप बोलोगे तो नंबर भी डाल दूँगी उनका। वो बहुत एक्सेप्शनल जो बुक्स होती है ना, जैसे एस के मेहता जी की भी बुक्स हैं, जो अभी पब्लिकेशन में नहीं है, आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उनके पास है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये नक्षत्रास के ऊपर है। अगर आपको नक्षत्रास पढ़ने में इंटरेस्ट है किसी को, तो वो ये बुक पढ़ सकता है। इस बुक में नक्षत्र का फल, हर नक्षत्र में, हर नक्षत्र के जो पद हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आप पैदा हुए हो किसी प्रथम चरण में तो क्या फ़र्क आएगा, द्वितीय में चरण में पैदा हुए तो क्या आएगा, तो ऐसे बहुत डिटेल में बताया है। और ये दूसरी बुक है जिसमें नक्षत्र, तिथि और उस गोचर का फल बताया है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहते वाली बुक भी ले सकते हो। इसके अलावा भी और दो बुक्स हैं जो मैं आपको भी बताऊँगी। ये बुक भी बहुत अच्छी है नक्षत्र लेवल के लिए, दोनों अच्छी हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो बुक। और दो वो भी बिगिनर्स लेवल के लिए हैं। ये बीवी रमन की बुक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 1st हाउस टू 6th हाउस है, और उसके बाद 7th हाउस से 12th हाउस तक का सेकेंड वॉल्यूम में है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ साउथ इंडियन पैटर्न में दिया है, तो वो बीच का जो पार्ट होता है मैं उसमें नॉर्थ इंडियन बना लेती हूँ पैटर्न, क्योंकि मैं उसी से देखती हूँ नॉर्थ इंडियन इंडियन चार्ट। तो ये कुछ बुक्स हैं, अगर आप लोगों को रेफ़र करनी है तो आप रेफ़र कर सकते हो, अच्छी बुक्स हैं। इसमें आप बेसिक जो नॉलेज है ना वो मिलेगी, लेकिन ये सरजीत पोद्दार की जो बुक है ना वो बहुत अच्छी है। किसी भाव को समझने के लिए कि उपाय, द पर्टिकुलर हाउस इज परफॉर्मिंग दिस वे, इट्स वेरी गुड।